ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां एक घर के पुल के तेज रफ्तार के कहर देखने को मिला। बता दें कि रीवा के नेशनल हाईवे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गए, दौरान क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में स्कॉर्पियो चालक बाल बाल बचा। तो विंध्य क्षेत्र के पहल मघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे समय जरिन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि आए दिन रीवा में रफ्तार के कहर देखने को मिला है, जहां एक दरकी पुन के तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलट गए। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों के द्वारा हादसा की जानकारी भिजवाई गई, जहाँ चाकघाट पुलिस मौके में पहुंची है। बता दें कि चाकघाट थाना के अंतर्गत बघेड़ी के पास यह हादसा संभावा है। पुलिस के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो का राष्ट्रीय राजमार्ग से उठवाई के किनारे रखवावा गया है। हादसा के बाद वह चालक का प्राथमिक उपचार खातिर तेउथर सिविल अस्पताल में भर्ती करवावा गया। चिकित्सकन के द्वारा मरहम पट्टी करे के बाद चालक का छुट्टी दे दी गई है। दूसर गई बता दें कि चाकघाट पुलिस के द्वारा हादसा के कारणन के जांच पड़ताल शुरू की गई है। चाकघाट थाना प्रभारी अभिषेक पटेल के द्वारा जानकारी दी गए कि स्कॉर्पियो क्रमांक MP05BA2108 दुर्घटनाग्रस्त हो गई रही। पूछताछ में चालक के द्वारा अपन नाम सौरभ तिवारी निवासी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश बतावागा। बता दें कि जानकारी मिली कि नेशनल हाईवे 30 के रास्ता चालक जोन रहा भोपाल जात रहा और ऐसे में जैसे चाकघाट कस्बा के बघेड़ी में पहुंचा तो कार से नियंत्रण खोएगा और इसके कारण तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। प्रत्यक्ष दर्शन के मुताबिक वाहन का चालक के द्वारा बहुत तेजी से चलावा जात रहा और ऐसे में चालक के द्वारा वाहन से नियंत्रण खो देगा। स्कॉर्पियो डिवाइडर से भिड़े के बाद सीधा बिजली के पोल से टकराए गए, एक बाद दूसर साइड में चली गई और गनीमत यह रही कि वो दौरान कोनो दूसर बड़ा वाहन रास्ता में नहीं गुजरत रहा, नहीं तो वह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकत रहा। तो बता दें कि एक तरह की पुन के बड़ी घटना हो थोड़ टली गए है। बता दें कि बेर बेर यह कहा जाता है कि रफ्तार का नियंत्रित रखी बावजूद है कि लोगों के द्वारा ध्यान नहीं दिन चला गया और कहो न कहो यह बड़ी वजह है कि आए दिन जहाँ लोग हादसा के शिकार हो रहे हैं। हालांकि एक खबर में राहत की बात यह रही कि चालक बाल बाल बचे, हाँ दूसर तरफ से कोनो जान माल के नुकसान नहीं भाया। तो दे इजाजत रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार, संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।